हेलो नमस्कार दोस्तों, ये है अल्ट्राटेक का रेडी मिक्स प्लास्टर। इसमें दोस्तों सैंड और सीमेंट ऑलरेडी मिली होती है, बस इसमें पानी मिलाना होता है। जो भी ये पाउडर है इसका 17 से लेके 19% के आसपास हमें इसे पानी मिलाना होता है और इसका इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये देख सकते हो इसके सर्विस इंजीनियर साइट पे आए हुए हैं, ये हमें इसके बारे में इसका इस्तेमाल कैसे करना है वो हमारे मिस्त्री को समझा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप इसमें 17 से 19% के आसपास पानी डालोगे तो बेसिकली एज़ पर साइट पे ऐसा होता नहीं, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पानी डालना पड़ेगा, ऐसा सर्विस इंजीनियर भी बोल रहे थे। क्योंकि जो भी ये सारी चीज़ें होती हैं लैब में तो उसमें कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती हैं, तो उसमें लिखा रहता है 17 से 19%, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, वर्केबल करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हमारे सर्विस इंजीनियर आकर के इसके बारे में इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस इन्होंने बताया हमें, ठीक है। नॉर्मल प्लास्टर की तरह ही होता है ये रेडी मिक्स प्लास्टर, बस ये है कि ये 40 kg के बैग में आता है और इसमें सीमेंट ऑलरेडी मिली होती है, सीमेंट सैंड, और बस इसमें पानी डाल करके यूज़ करना होता है। दोस्तों इसकी जो आप ब्लॉक वर्क या फिर ब्रिक वर्क दोनों पे ही यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो ये ब्लॉक वर्क हुआ है दोस्तों, और इस पर गोला छिलक रहा है मिस्त्री, और इस पर हम प्लास्टर करने जा रहे हैं, इसके लिए ये बेस्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब बताऊँ आपको, इसमें कम से कम क्यूरिंग, मतलब इसमें 7 दिन क्यूरिंग की ज़रूरत नहीं होती, इसमें सिर्फ 3 दिन आपको क्यूरिंग करनी है, एक दिन में 2 बार, ठीक है। तो आप दिन में 2 बार करोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों ये एक नए तरह का, थोड़ा सा अभी इंडिया में ये नया है, ठीक है, बाकी मुंबई में ज़्यादातर ये प्लास्टर भी यूज़ हो रहा है, ठीक है, इंडिया में। और इसके अलावा दोस्तों जहाँ भी मतलब ब्लॉक वर्क होता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, बेसिकली ब्लॉक वर्क के साथ ये ज़्यादा सक्सेसफुल है। यहाँ पे हमारे जो सर्विस इंजीनियर हैं मिस्त्री को बता रहे हैं इसको कैसे करना है, ठीक है। यहाँ पे जो इसमें जो नीचे जो पूछ रहे हैं कि नीचे जो इसमें आप इसको फेंक रहे हो उसके दीवार के ऊपर, तो नीचे जो गिरने की मात्रा है वो नॉर्मल प्लास्टर के मुकाबले काफ़ी कम है, तो इससे आपका प्लास्टर की बचत भी होती है। तो इस चीज़ से यही चीज़ इन्होंने अभी मिस्त्री से पूछा कि तब उसमें ज़्यादा गिरता है या इसमें ज़्यादा गिरता है, तो इन्होंने कहा कि उसमें ज़्यादा गिरता है नॉर्मली जब सीमेंट सैंड से ये लोग करते हैं, तो ठीक है। सो गाइज़ यहाँ पे इनको रेशियो इशू देखने का इसका फ़ायदा सबसे अच्छा है ये है कि मिस्त्री लोग को जैसे मिक्स करके अगर बना रहे हैं ये लोग, तो इनको ये देखने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब ये 1:6 का मसाला बना है या 1:7 का मसाला। अब इसमें इन लोग को बस पानी मिलाना है, कम ज़्यादा पानी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग इनका जैसा वर्केबल होगा यूज़ कर लेंगे ये लोग, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हमने कहा पर पेज कहीं काम करा है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्लास्टर इस तरह की फिनिशिंग आई है इसके ऊपर। अपने फ़ोन में ये दिखा रहे हैं कि मैंने इस तरह के और भी जगह पे मतलब ट्रायल कराए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे साइट पे भी इन्होंने इसी तरह कराया, और मैं यहाँ पे वीडियो में जल्दी मैं आपको शॉर्ट में दिखा दे रहा हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्लियर करके हमने एक चौकोर सा बॉक्स बना करके ये देख सकते हो प्लास्टर, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरह से कट करके इन्होंने पूरा एकदम तैयार कर लिया, और फिनिशिंग यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया, ठीक है। साइट पे हमारे सीनियर्स थे, हमारे जो भी क्वालिटी वाले थे, और इसके अलावा बाकी और भी जो इंजीनियर्स थे सब लोग यहाँ पे आके साथ ही में खड़े थे और सब लोग देख रहे थे कि कैसे ये मतलब करना है, ठीक है। जब ये सर्विस इंजीनियर नहीं हमारी साइट पे आए थे तो इससे पहले एक दिन हमारे मिस्त्रियों ने ट्राई किया था, बट वो क्लियरली कर नहीं पाए, तो हमें सर्विस इंजीनियर बुलाना पड़ा अल्ट्राटेक का। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल के लिए देखिए उस दिन करके दिखाया और हमें बताया कि इस तरह से आपको फिनिशिंग मिल जाएगी जब आप करोगे ऐसे ऐसे, ठीक है। वीडियो इतनी सी थी, बाय बाय, नमस्कार।